नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड सरकार के द्वारा हमारे अपन बजट का जो शुरुआत करी है, जिसमें जनता से वो पूछेगी कि उनके हिसाब से जो बजट है उसमें उनके तरफ से क्या कुछ होना चाहिए। बजट सत्र, बजट जो आता है, बजट जो पेश किया जाता है, उसमें आम जनता क्या चाहती है, बजट में क्या हो आम जनता के लिए। तो हम लोग आम जनता से ही जानेंगे कि आखिर बजट में वो क्या चाहती है। आइए हम लोग बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर सरकार जो बजट में जनता की राय ले रही है, और उसमें आपको क्या लगता है, क्या आप अपने तरफ से देना चाहेंगे? आप बजट जो आता है उसमें आप क्या चाहेंगे, आप पब्लिक की तरह क्या सोचेंगे, क्या होना चाहिए बजट? गरीब आदमी पर बोझ नहीं होना चाहिए सबसे पहले, और मध्यम पर भी ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए, जो हो लेकिन कम हो, जो सह सके उसको दो, जो सह नहीं सकता उसको बिल्कुल मत दो। तो उसमें टैक्सेशन की कुछ कमी के लिए मतलब आप चाह रहे हैं? टैक्सेशन गरीब के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गरीब पहले मर रहा है और मर जाएगा, मैं तो गरीबों के फेवर में हूँ। और क्या चाहते हैं बजट में, और क्या कुछ होना चाहिए आम जनता के फेवर में? सुविधाएँ बढ़े बजट में, वैसी चीज़ आए जो जनता को सुविधा मिले, हर चीज़ की सुविधा मिले, ट्रैफिक की, ट्रांसपोर्टिंग की, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। हम लोग एक बार इधर भी बात करते हैं सर, बजट में क्या चाहेंगे? सरकार जो बजट ला रही है, आप क्या चाहते हैं? वो उनके अपनी इंडिविजुअल बात है, आप क्या चाहते हैं बजट में क्या होना चाहिए? बजट में सबके लिए बराबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सबको अच्छा से बजट में सबको ठीक ठाक होना चाहिए, और ज़्यादा क्या बोले। देखिए, तो बजट में जनता के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े उसको लेकर के भी लोग तैयार हैं कि लोगों पर ज़्यादा बोझ ना आए, बजट में ज़्यादा परेशानी ना हो। हम लोग एक बार इनसे भी जानते हैं सर, समय चाहिए क्या चाहिए, क्या बोलिएगा, बजट जो पेश होता है उसमें आम जनता के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सरकार खुद जनता से पूछ रही है। महंगाई कम होनी चाहिए सर, थोड़ा महंगाई कम होनी चाहिए, रेट कम होना चाहिए हर चीज़ का, बस और क्या। और क्या चाहेंगे जनता के फेवर में, और क्या होना चाहिए बजट में? सब चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, दाम घटना चाहिए हर चीज़ का, जैसे कि रसोई गैस का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम इतना है, आम बजट गड़बड़ा गया, लोग थोड़ा कम होना चाहिए रेट। तो अभी भी सभी कोई का यही कहना है कि बजट जो है उसमें कुछ कमी आनी चाहिए, और बजट को लेकर के जनता क्या सोचती है, हम लोग और भी लोगों से पूछेंगे। सर, हम आपसे बस जानना चाहेंगे जो बजट जो पेश किया जाता है उसमें क्या लगता है आम जनता के लिए क्या होना चाहिए? आम जनता के लिए रियायत होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्या किन किन चीज़ों में रियायत मिलनी चाहिए जनता को? खाने पीने की चीज़ों पर, मेन तो अपना रिफाइन हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा है, हर किसी का बजट फेल हो चुका है, गृहणियाँ बहुत दुखी हैं इस मामले में, और गैस के भी रेट ऊपर हो गए हैं, उसको लेकर कुछ गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। अभी सरकार जो हमारे अपन बजट के ज़रिए लोगों से ही राय मांग रही है कि बजट में क्या होना चाहिए, तो आप लोग क्या राय देंगे उसमें? हम लोग चाहेंगे जो गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उन पर बजट ज़्यादा लोड ना हो, रईस तो ले लेते हैं, पैसे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, मेन मीडियम मरता है, मीडियम पर विशेष ध्यान दिया जाए, और उनके रसोई के बजट पे ध्यान दिया जाए ज़्यादातर। देखिए, तो जनता यही चाहती है कि जो महंगाई बहुत तेज़ी से जो बढ़ी है उस पर कुछ रियायत इन्हें मिले, कुछ उसमें कमी हो। तो हमने दो तीन लोगों से बात की, और जनता अपने तरफ से ज़रूर सहयोग करेगी सरकार को कि किस तरीके से आगे इन्हें मौका जो दिया जा रहा है उसमें ये लोग अपने अपनी राय दे सके बजट को लेकर। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार, रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।